अस्सलाम वालेकुम एवरी वन, वेलकम बैक टू माई चैनल आयशा मिशीज व्लॉग्स। थैंक यू सो मच फॉर लाइकिंग द वीडियोज एंड सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल। स्टार्ट द व्लॉग। जलेली खा ले, जलेली मुझे ला ले मेरा बेटा। और ये है माँ का रोज का रूटीन। माँ, वाई आर यू वेयरिंग दिस ग्रीन शर्ट एंड ट्राउजर टूडे? यस बेटा, आज हमारा पी पीरियड है। ओके, माँ का आज गेम्स पीरियड है, तो इसलिए माँ ओवर एक्साइटेड है और इस वजह से फ़ौरन स्कूल जाना चाह रहे हैं और नाश्ता भी स्किप करना चाह रहे हैं। बात, प्लीज़ डोंट स्किप योर ब्रेकफास्ट बिकॉज इट इज़ वेरी नेसेसरी। ओके, माँ का बैग भी रेडी है। माँ, वेयर इज़ योर बैग? ओके, बैक साइड। सो माँ फुल रेडी, बस अब मैंने भी उठना है और जस्ट अब आया वेयर करके और स्कूल ड्रॉप करना है। तो फिर मिलते हैं स्कूल ड्रॉप करके बच्चों को बाद में इंशाल्लाह ताला। और मैं जाऊँगी फिर थोड़ा सा वॉक करूँगी स्कूल ड्रॉप करके और फिर मैं उमर को लेके घर आऊँगी। सी यू सून। और ये यहाँ पर मैंने जल्दी जल्दी से बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट और लंच की तैयारी कर ली थी। ब्रेकफास्ट तो करा दिया था मैंने, फिर लंच के लिए मैंने ये एग्स फ्राई किए, इनको स्मूथ करके जो है ना मैंने एग सैंडविच बनाना था बच्चों के लिए। और सुबह का टाइम होता है, टाइम कम होता है तो बस जल्दी जल्दी से काम हो रहे होते हैं और सिर्फ जो है ना वो घड़ी पर नज़र होती है कि बिल्कुल भी जो है ना वो टाइम टाइम पे सारे काम हो जाएं और देर ना हो। और ये सैंडविच रेडी हो गया था बच्चों को स्कूल ड्रॉप करके मैं आ गई थी। और फिर मैंने क्ले पैड किया अपना पंजीरी का, पंजीरी जो है वो मौसम यहाँ पर चेंज हो रहा है तो मैंने घर के लिए भी बना ली थी और साथ में अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास ऑर्डर भी आ गया था उसी टाइम, तो ये मैंने पैक कर लिया है। हाफ हाफ के जी के ये दो पैक मैंने किए थे, 1 kg का था नहीं तो मैंने हाफ हाफ के जी में ही जो है वो करके इसको 1 kg इक्वलाइज़ कर दिया था। और ये बहुत हेल्दी और टेस्टी होती है, आप लोग भी ज़रूर इसको बनाया करें, ट्राई किया करें विंटर्स में। और बहुत हेल्दी होती है, इसमें सारी चीज़ें जो हैं वो हम ऐड कर देते हैं। कमरकस भी होता है, हमारे मखाने हैं, गोंद है और सारे नट्स जो हैं वो इसमें नट्स ऐड करके और सारी चीज़ें करके बहुत अच्छी सी पंजीरी रेडी हो जाती है। और इसके साथ ही फिर मैंने अपना बेडरूम की तरफ आई, अपनी बेडशीट ठीक करके मैंने जो है ना वो अपने कुछ कपड़े ऑर्गेनाइज़ कर लिए कि विंटर्स करीब करीब ही हैं। ज़्यादातर यहाँ पे वेदर इतना ज़्यादा ठंड नहीं होती है तो ये नॉर्मल से ही कपड़े होते हैं, बस हमारे लाइट से कॉटन के या जॉर्जेट के। और ज़्यादा यहाँ पर आना जाना भी बाहर नहीं होता तो ये सभी तरह के कपड़े मैं घर पर निकाल लेती हूँ और आगे पीछे करके बस हार्डली 1 month या 1.5 month यहाँ पे ऐसी ठंड होती है कि इस तरह के कपड़े चल जाएँ, अदरवाइज़ तो गर्मियाँ होती हैं। तो ये मैंने अपने सूटकेस में करके रख देती हूँ, ये मैंने निकाल लिए थे और कि मैं अपनी कबर्ड में सेट कर लूँ। साथ में जो है वो उमर यहाँ पर अपना ट्वाइस को खेल रहे थे, समेट रहे थे, अपना लगे हुए थे उमर, साथ साथ चीज़ें चल रही थी और साथ में प्लानिंग मैंने कर ली थी खाने की भी और साथ में फिर बाहर भी जाना था मैंने। अब मेगा मॉल जा रहे हैं, आज ट्यूसडे है तो इसकी बाय वन गेट वन ऑफर के लिए। तो और यहाँ पर जो है वो महाद और उमर की एक्चुअली ज़िद चल रही है कि मैंने भाई का हाथ पकड़ना है और माशाल्लाह से दोनों बहुत दोस्ती हुई है माशाल्लाह से दोनों में। तो चले फिर मिलते हैं मेगा मॉल में। और अब हम यहाँ मेगा मॉल पहुँच चुके हैं। ये मैंने दिन में डिसाइड कर लिया था कि हम लोग यहाँ बाय वन गेट वन ऑफ़र है पिज़्ज़ा की, ट्यूसडे को होती तो समटाइम्स ही प्लान करते हैं। तो फिर हम लोग इस दिन आ गए थे, ट्यूसडे था और मेगा मॉल पहुँच चुके हैं। हमारा वॉकिंग डिस्टेंस पर ही होता है तो हम लोग जल्दी ही पहुँच गए थे। फिर यहाँ पर अशरफ डीजे भी इलेक्ट्रॉनिक मार्केट है, इलेक्ट्रॉनिक शॉप है एक सेकंड फ्लोर पर, तो मैंने सोचा कि चलो मैं यहाँ पर फ़ोन भी देख लूँगी क्योंकि आयशा की ऑनलाइन कुरान की क्लासेस हो रही होती हैं तो मुझे फ़ोन की ज़रूरत पड़ रही होती है। समटाइम्स बॉटम पर होती है, समटाइम्स वेब एक्स पर होती है और ये एप्लीकेशन जो है, मेरा फ़ोन काफ़ी पुराना हो गया है और स्क्रीन भी बच्चों ने तोड़ दी है इसकी फेंक फेंक कर। तो बस मैंने कहा मैं थोड़ा फ़ोन भी चेक कर लूँगी। और पहले मैंने यहाँ पर अशरफ डीजे में जा रही हूँ, सेकंड फ्लोर पर है और यहाँ पर मैं फ़ोन देखूँगी। तो फिर चलें देखते हैं फिर कि मैंने फ़ोन लिया कि नहीं लिया। और जैसा कि आपने थंबनेल भी चेक किया होगा कि आज का जो है वो टॉपिक मेरा यही है वीडियो बनाने का, तो फिर चेक करते हैं कि क्या हुआ आगे।
व्हाट इज द प्रॉब्लम? और मैंने जो है ना वो एक्चुअली लेना था फ़ोन अपने लिए, क्योंकि मुझे नीड हो रही थी तो काम की वजह से, तो मेरा एक फ़ोन ख़राब हो गया है, बच्चों ने उसकी स्क्रीन तोड़ दी है, तो फ़ोन चेक करने के लिए फिर मैं बीच में सेकंड फ्लोर पे यहाँ श्रव डीजे आ गई हूँ। यहाँ पे बड़ा अच्छा सा ये टॉय स्टोर होता था, ये क्लोज हो गया है, और ओवर द एविडेंसी श्रव डीजे यहाँ पर। मैंने सोचा मैं थोड़ा चेक कर लूँगी कौन सी सैमसंग के न्यू फ़ोन आए हुए हैं और मे भी मेरी रेंज में आए, तो आईफोन में चेक कर लूँ, बट डिफ़िकल्ट लग रहा है आईफोन। पहले मैंने सैमसंग में यहाँ पर चेक किया आकर, तो कुछ मुझे समझ में नहीं आया, क्योंकि आतिफ मुझे यही कह रहे थे कि 8GB फ़ोन ही लेना बेटर है, क्योंकि थोड़ा सा सही स्पीड में चलता है वो, अदरवाइज़ 6GB या 4GB हो तो स्पीड स्लो रहती है। तो फिर उन्होंने मुझे ओप्पो सजेस्ट किया, मैंने यहाँ पे आके ओप्पो भी देखा, इसके प्राइस भी चेक किए, तो मैंने सोचा चलो फिर मैं इसको देखती हूँ, क्योंकि हमने पहले खाना भी खाना था, बच्चों को भूख लगने लगी थी, और हस्बैंड ने मेरे जो है वो ऑफिस से डायरेक्ट पहुंचना था मेगा मॉल, और ये मुझे फ़ीचर्स वगैरह सब शो कराते रहे, गाइड कर रहे थे मुझे कि आप देख लें, चीज़ें बता रहे थे मुझे कितना रैम है, कितना ये डिफरेंट स्पेसिफिकेशंस मोबाइल की सब। खैर मैं चेक करके और अपना बस नोट करके मैं चली गई, फिर के बाद में आतिफ के साथ आकर मैं देख लूँगी। तो फिर बस अब हम ये ऊपर जा रहे हैं थर्ड फ्लोर पर। जब कोविड का टाइम था तो यहाँ से एंट्री बहुत मुश्किल होती थी, क्योंकि जिसने जाना है, जिसके पास कार्ड है, गेम कार्ड शो करके ही आपने अंदर जाना है, अदरवाइज़ आप यहाँ से एंटर नहीं हो सकते। इन्होंने दूसरे साइड का रूट ओपन किया हुआ था फूड कोर्ट के लिए, तो ये वाली एंट्रेंस बंद थी बस। बट अल्हम्दुलिल्लाह अब कोविड की रिस्ट्रिक्शंस जो हैं वो काफ़ी ईजी हो गई हैं, अब नियरली ख़त्म हो चुकी हैं, बस एक मास्क रह गया। अब मास्क भी इंशाल्लाह जल्दी ख़त्म हो जाए, वेयर करना एक नेसेसरी होता है। तो यहाँ से हम लोग एंटर हो गए थे, ये वाला जो एंट्रेंस है ये बंद होता था, तो हमें फिर दूसरे साइड से घूम के आना पड़ता था। काफ़ी दफ़ा ये हुआ हमारे साथ, पर इस दफ़ा ये कि हम लोग इजीली यहाँ पर एंटर हो गए थे, और जो है वो यहाँ से हम फिर डायरेक्ट फूड कोर्ट चले गए थे। बच्चे भी काफ़ी एक्साइटेड थे, क्योंकि हम समटाइम्स ही बाहर का खाना खाते हैं, समटाइम्स वीकेंड पर, और कभी ये ट्यूसडे को इस तरह ले लिया पिज़्ज़ा, क्योंकि इतना भी ज़्यादा बाहर का खाना हाइजेनिक नहीं है, हेल्थ के लिए इतना भी अच्छा नहीं है, बस समटाइम्स ये है कि आप ले लें तो अच्छा है, एक हैबिट इसको नहीं बनाना चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम अब पिज़्ज़ा ऑर्डर कर चुके थे, और हमारा ये चिकन फजीता पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था लाइट स्पाइस के साथ, और ये दूसरा स्पाइसी रेंच जो कि हमारा मोस्ट फेवरेट फ्लेवर है। जिन्होंने नहीं ट्राई किया वो पिज़्ज़ा हट के ज़रूर ट्राई करें, इट वाज
सो यमी। और आई होप कि आपको मेरा आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा, और सी यू सून इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।